श्री राम दोस्तों, मैं प्रज्वल कालावड़िया आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे कि डीजे का फुल फॉर्म क्या है। और आप बहुत सारे लाइव टीवी शोज और सीरियल्स देखते होंगे और आप ये कहते हो कि नहीं, ये टीवी शो या ये प्रोडक्शन टीम ये सब टीआरपी के लिए कर रही है। लेकिन क्या आपको टीआरपी का फुल फॉर्म पता है? अगर जानना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहला फुल फॉर्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिप का फुल फॉर्म। रिप का पूरा फुल फॉर्म है रेस्ट इन पीस। आप ये शॉर्ट फॉर्म जब किसी की डेथ होती है तब इसे यूज़ करते हैं। आप बहुत बार बहुत से मॉल्स या ग्रोसरी स्टोर पे कुछ सामान लेने गए हो, आपके पास कैश नहीं है, तो आप कैशलेस तरीके से भी पेमेंट करते हैं, जिससे आप फोन पे, गूगल पे या कोई नेट बैंकिंग से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। लेकिन क्या आपको क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पता है? क्योंकि मैं बताता हूँ, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। इससे आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तीसरा फुल फॉर्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एम का फुल फॉर्म। आपने बचपन में प्रैक्टिकल्स में एम, डेमोन्स्ट्रेट सब लिखा होगा, लेकिन क्या आपको एम का फुल फॉर्म पता है? एम का पूरा फुल फॉर्म है एम्बिशन इन माइंड। आपने बहुत बार गणेश चतुर्थी या किसी की शादी में डीजे पे डांस तो किया ही होगा। आपने डीजे वर्ड बहुत बार सुना है, लेकिन कभी आपने सोचा कि डीजे को डीजे क्यों कहते हैं? इसका मतलब है डिस्क जॉकी, मतलब आप अपने मन को खुल के इस डीजे में इंजॉय कर सकते हैं। फुल फॉर्म जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टीआरपी का फुल फॉर्म। आप बहुत से शोज़ देखते हैं, लाइव टीवी शोज़ देखते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि ये शो या टीवी टीआरपी के लिए काम करती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रेटिंग ही एक ऐसी जरिया है जिससे वो चैनल या वो प्रोडक्शन टीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।